तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू स्पोर्ट्स यार्ड। मेरा नाम है राज, नाम तो सुना ही होगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आप रबड़ की बॉल को, स्टंपर की बॉल, वो क्या कहते हैं, लेदर की बॉल को नहीं, रबड़ की बॉल को कैसे इनस्विंग आउटस्विंग करा सकते हो। हालांकि ये यहाँ पे कोई शाइनी साइड का मेथड नहीं यूज होगा, क्योंकि स्टंपर की बॉल में वो काम नहीं करता। हवा का थोड़ा मोटा रोल होता है, और एक और चीज होती है, अगर आपका हाई आर्म एक्शन है यानी यहाँ से आता है तो बॉल ऑटोमेटिक स्विंग होगी। बट जिनका एक्शन मेरी तरह है यानी यहाँ से जो फेंकते हैं, यहाँ से उनको स्विंग कराने के लिए कुछ टेक्निक्स का यूज करना पड़ता है, जो कि मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और वो टेक्निक्स कोई मतलब उसमें ये नहीं है कि तुम्हें शाइन करना है, एक साइड को घिसना है, थूक लगा लगा के, ऐसा कुछ नहीं है। बस तुम्हारी उंगलियों का जादू है, अगर तुम उंगलियां ढंग से यूज करते हो तो स्विंग होगी, और प्लस में एंगल का, ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा शुरू करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि इनस्विंग कैसे करनी है, ठीक है। तो इनस्विंग करने के लिए राइट हैंड बैट्समैन को इनस्विंग, तो पहली बात तो हमें ये जो ग्रिप है स्टंपर की बॉल में, रबड़ की बॉल में, उसे थोड़ा सा इधर पकड़ना है, यानी एक हाथ, एक उंगली आपकी ग्रिप पे, एक उंगली थोड़ी साइड, ठीक है। तो ये होगी बात। अंगूठा आप यूं रखोगे तो और ज्यादा स्विंग होगी, ऐसे रखोगे तो ग्रिप अच्छी बनेगी। तो मैं तो ऐसे रखना पसंद करता हूँ। अगर आप इसके साथ मतलब कंफर्टेबल हो कि अपना अंगूठा यूं मोड़ के रखते हो तो भाई हवा में भी वो फर्र करती जाएगी, ठीक है। तो ये ट्रिक आजमा सकते हो। और प्लस में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमें बनाना है एंगल। एंगल क्या है, मतलब अगर हम सीधा यहाँ से लाएंगे हाथ तो वो इनस्विंग उतनी अच्छी नहीं होगी, बट अगर हम हाथ को यहाँ से लाएंगे मतलब अंदर की साइड से, और उसके बाद एंगल बना के फेंकेंगे, तो हाथ के रिस्ट का यूज यहाँ पे अच्छे से होगा और बॉल स्विंग हो जाएगी। प्लस में इसके साथ एडेड मेथड ये है कि जब हम यहाँ पे ऐसे करके सीधा डाल रहे हैं तो उतनी अच्छी स्विंग नहीं होगी, बट अगर हम यहाँ से अपनी बॉडी को ऐसे मारेंगे, अगर मतलब थोड़ा सा टेढ़ा होके, तो हाथ एकदम सीधा आ रहा है क्योंकि, इसलिए बॉल का एंगल और अच्छा जाएगा और स्विंग, इन स्विंग बहुत अच्छी होगी। तो ट्राई करते हैं हमारी बॉल इन स्विंग होती है कि नहीं। तो ये थी इनस्विंग, ठीक है। तो शुरुआत में आपको इनस्विंग करना सबसे औखा काम है, सबसे मुश्किल काम, क्योंकि ना हाथ को एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेंथ पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो शुरुआत के लिए धीरे से ट्राई करो, बाद में तेज हो सकते हो, ठीक है। अब बात आती है आउटस्विंग की। आउटस्विंग कराना उतना मुश्किल नहीं है, ईजी लगेगा, क्योंकि आउटस्विंग तो हमारी वैसे भी हो जाती है और इस मेथड की वजह से और ज़्यादा अच्छी होगी। तो इसमें क्या करना है, आउटस्विंग में बॉल को पकड़ना है, यहाँ से ये ग्रिप इधर होनी चाहिए और ये हाथ इधर, क्योंकि बॉल को अभी इस साइड कराना है, ठीक है। और प्लस में जैसे हम इनस्विंग में एंगल ये बना रहे थे, आउटस्विंग में एंगल बनना चाहिए ये, यानी हाथ आना चाहिए बाहर से, और उसके बाद अपना जो जो नॉर्मल एक्शन है उसी में फेंक सकते हैं इसको, और आउटस्विंग हो जाएगी, इजीली हो जाएगी, थोड़ी मोटी प्रैक्टिस में ही हो जाएगी। पंगा है इनस्विंग का, उसके लिए आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो अब ट्राई करते हैं आउटस्विंग कैसी जाती है। परफेक्ट शॉट बड़ी मुश्किल से मिल रहा है, बट हम लेंगे। मोबाइल जिंदा है तेरा, ऐसे करते हैं बॉल को आउटस्विंग। अब बात यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे तो मैंने तुम्हें दिखाया है कि बॉल स्विंग हुई है, बट हुआ क्या था, मतलब जैसे इनस्विंग के बारे में, इनस्विंग जो बहुत मुश्किल थी उसमें सिर्फ छह बॉलों में से मान लो तीन ही गई होगी इनस्विंग, बाकी तीन खराब गई, ठीक है। तो ऐसा सबके साथ होता है, आप एकदम से परफेक्ट नहीं बन जाओगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो ही परफेक्ट बनोगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस किए बिना तो परफेक्ट नहीं बनना, तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बन जाओगे, नहीं करोगे तो नहीं बनोगे। तो बात तो सीधी सी है। अब बात आती है कि इसमें कोई और टिप्स, मतलब कि अगर आउटस्विंग नहीं हो रही है तो क्या करें, सिंपल सा है यार, खड़े खड़े फेंकने की कोशिश करो उसको, बॉल को वापस अगर उतार दे तो हम पकड़ना है यहाँ से आउटस्विंग के लिए, और यहाँ से पकड़ना है इनस्विंग के लिए, मतलब और एंगल कुछ ऐसा बनाना है, यानी जब आपको इनस्विंग करानी है तो हाथ यहाँ से आना चाहिए, और आउटस्विंग करानी है तो बॉल को ऐसे पकड़ के हाथ यहाँ से आना चाहिए, क्योंकि तब एंगल परफेक्ट बनता है, हाथ यहाँ से ऐसे घूमता है, यानी आपको ना बॉल को रिलीज करते वक्त हाथ को ऐसे घुमाना पड़ेगा। बेसिकली इसे स्विंग नहीं कहते, बट ये जो ट्रिक्स है आप यूज कर सकते हो स्टंपर क्रिकेट में, जहाँ पे आप स्टंपर बॉल से खेलते हो, और फायदा देगी कई बार, क्योंकि हर कोई नहीं करा पाता है, कईयों की खुद से हो जाती है बट हर कोई करवा नहीं पाता है ये वाली स्विंग, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और दूसरी वीडियो, एक और वीडियो है माई आर्ट चैनल पे, जिसमें दिखाया मैंने कि बनाने में कितना मतलब एक शॉट लेने में कितना मुश्किल हुआ है हमें, वो भी देखना।
और उसे भी शेयर करना है, इसको भी शेयर करना है, लाइक इस पे भी करना, उस पे भी करना, कमेंट इस पे भी करना, उस पे भी करना और सब्सक्राइब जरूर करना। तो बाय बाय, शुभ खैर, जय हिंद, हैव ए गुड डे।